हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, फूली हुई सॉफ्ट रोटी किसको नहीं पसंद, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगी और हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद है। तो ये जो फूली हुई रोटी बनाने का जो मेन मेथड है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो क्या है, यही है गाइस, आटा गूंदना। अब जितने अच्छे से आप आटा गूंदेंगे ना, उतने अच्छे से आपकी रोटी है जो बनकर तैयार होगी, सॉफ्ट और फूली हुई। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि कैसे आपको आटा लगाना है कि आपकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट और फूली हुई आएगी। आटा तो हम गूंद लेते हैं, लेकिन कैसे पता चले कि ये आटा जो हमने लगाया है ये परफेक्ट लगाया है, एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है, कि कैसे पता करें कि अभी ये हमने आटे को ऐसे गूंद लिया है कि बस अभी इससे परफेक्ट रोटी ही पकेगी। तो यही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। सबसे पहले मैंने आटा लिया है, एकदम से आटे में पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको अच्छे से मसलना है। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी दरारें हैं। ये जो दरारें हैं ना, जब तक ये दरारें पूरी भर नहीं जाती तब तक आपको आटे को मसलना है, अच्छी तरह से मसलना है। बस गूंदते ही चलने जाना है, इसके ऊपर ज़ोर लगाना है, इसके अच्छी तरह से गूंदना है। तब तक गूंदना है जब तक ये दरारें भर नहीं जाती। जब ये दरारें एकदम से भर जाएंगी ना, तब आपका जो आटा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, समझ लीजिए कि रोटियाँ बनाने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं, बस मैंने लगातार मैं इसको गूंद रही हूँ, तो आप देख सकते हैं दरारें धीरे धीरे कम हो रही हैं। बस ये दरारें ही हमें फिल करनी है, तब तक इसको मसलना है जब तक ये दरारें बिल्कुल दिखाई देना बंद ना हो जाए। जितना आप जान लगा कर के आटा गूंदेंगी ना, जितना इसके ऊपर ज़ोर लगाएंगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी जो रोटी है बनकर तैयार होगी। ठीक है गाइस, इसके साथ दो बेनिफिट हैं, एक तो आपकी रोटी अच्छी बनेगी, आटा अच्छा बनेगा, और दूसरा आपके हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, खैर अभी आटा अच्छे से गूंदने के बाद आप इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए तकरीबन 10 से 20 मिनट तक। मैं नहीं रख पाऊँगी क्योंकि मेरे को जल्दी है, थोड़ी मैंने जल्दी खाना बनाना है, तो आप रख दीजिए अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। आप टाइम सेट कर लीजिए कि आप पहले ही आटा लगा लें, रोटियां बनाने से पहले ही अच्छे से आटा गूंद कर इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। 15 से कम 10 मिनट तो रख ही लीजिए, 15 से 20 मिनट तक। अभी मैंने आटा रेस्ट करने के लिए नहीं रखा, तवा मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, इसको फास्ट फ्लेम के ऊपर मैं तवा गर्म होने दूँगी। आपको चेक कर लेना है कि तवा गर्म हो गया है कि नहीं, अगर ठंडे तवे पर रोटी डालेंगे ना तो वो रोटी अकड़ जाएगी, एकदम सिकड़ी सी बन जाएगी। अब ये तवा बिल्कुल गर्म है, तो रोटी बेलकर नॉर्मली जो जैसे हम रोटी बेलते हैं, बेलकर हमने डाल दिया है तवे के ऊपर। पहले अपने मीडियम फ्लेम करके रोटी को एक साइड से मीडियम सा ज़रा सा पकाना, और उसके बाद इसको पलट देना है, दूसरी तरफ से अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के बाद हम इसे किसी भी कपड़े के साथ ऐसे हल्का सा प्रेशर देते हुए फूलने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये देखिए आटा रोटी फूल रही है। अगर मैं इसको आटे को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देती ना, तो ये और भी अच्छे से फूलती, लेकिन मैंने रेस्ट नहीं करवाई क्योंकि मैंने बताया ही है कि मेरे को जल्दी थी थोड़ी। तो अभी मैंने मेन टिप, जो रोटी फूलने का, सॉफ्ट रोटी बनने का मेन टिप है, जो मैंने आपको बता दिया है, एंड आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि आप आटा किस किस तरीके से लगाएं कि आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी। तो इसी बात पे एक वीडियो, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन्जॉय कीजिए सॉफ्ट सी रोटी, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।